साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जेल से बाहर हैं और खासे परेशान हैं, क्योंकि हमने ही आपको बताया था, दिखाया था और खुद संजय राउत ने कहा था कि उनको आंख से दिखना बंद हो गया, सुनने में परेशानी है, बोलने में परेशानी है और यहाँ तक कि तेज सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी और ये सब कुछ जेल का साइड इफेक्ट है। और जेल से बाहर आकर संजय राउत ने ये सब कुछ बताया, लेकिन अब एक बार फिर से संजय राउत के जेल जाने की तैयारी हो गई है। जी हाँ, फाइनली संजय राउत का दोबारा जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है, बेल का रद्द होना तय माना जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात, हाई कोर्ट में इसे लेकर बड़ा बवाल हो गया। ईडी ने संजय राउत के इस केस में, इस मामले में चीथड़े उड़ा दिए, हाहाकार मच गया। तो बताते हैं क्या है अपडेट, क्या हुआ मामला और क्या हाई कोर्ट में ऐसा हो गया कि अब संजय राउत का फिर से जेल जाना हुआ तय। आप भी इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये संजय राउत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, कमेंट जरूर करें। तो संजय राउत के हालात बेहद ही ज्यादा खराब हैं और ये बात खुद उन्होंने ही बताई थी और इससे भी ज्यादा खराब होने वाले हैं, क्योंकि संजय राउत के फिर से जेल जाने की तैयारी है। करीब करीब तय माना जा रहा है कि वो फिर से जेल जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में ऐसा कुछ हो गया जिसने पूरी तरह से संजय राउत के, उनके वकीलों के हाल खराब कर दिए। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, ईडी ने कैसे उड़ा दिए चीथड़े, क्या क्या कहा, फिर बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो संजय राउत की जमानत के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। वहां पर ईडी ने पूरी तरह से लोअर स्पेशल कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया कि ये पूरी तरह से ईडी पर, जांच एजेंसी पर, कानून पर सवाल उठाने जैसा हो गया। जी हां, ईडी ने हाई कोर्ट में कहा, उन्हीं जज ने संजय राउत को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर भेजा, उन्हीं जज ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद कहा कि हां, शुरुआती स्तर में प्राइमा फेसी संजय राउत इस मामले में आरोपी लग रहे हैं और संजय राउत पर केस चलना भी चाहिए। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि संजय राउत को बेल दे दी गई और यहाँ तक कि संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध कह दिया, ईडी की कार्रवाई को विचंड कह दिया, जबकि खुद पहले कोर्ट ने ही रिमांड देकर इसे वैध ठहराया था। आगे देखिए, ईडी ने कोर्ट में बहुत बड़ी बात कह दी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय राउत को जमानत सिर्फ और सिर्फ धारणाओं और मान्यताओं के आधार पर दी गई है। जो बातें केस से रिलेटेड थी, जो प्रासंगिक बातें थी, उन्हें देखा ही नहीं गया है। जी हाँ, बिना देखे जिन बातों की जरूरत ही नहीं थी, गैर जरूरी बातों को ध्यान में रखकर संजय राउत को बेल लोअर कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट से मिली है और ये ईडी ने हाई कोर्ट में कहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह से कोर्ट के आदेश पर इतने बड़े सवाल खड़े करना ये पहली बार ऐसा नजर आ रहा है और साहब ये बातें ईडी ने कोर्ट में कही है। इतना ही नहीं, आगे देखिए, ईडी ने कहा कि संजय राउत को दी गई जमानत पूर्वाग्रह पर आधारित है, ये न्याय के खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है, इससे न्याय का नुकसान होगा और ये जांच एजेंसी ईडी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इससे ईडी का मोरल डाउन हुआ है और ईडी के अफसरों का मोरल डाउन हो रहा है, क्योंकि ईडी के खिलाफ भी सीधी सीधी टिप्पणियां की गई है। लिहाजा इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए और न सिर्फ इस बेल देने के फैसले को वापस लिया जाए, बेल जमानत रद्द की जाए, बल्कि साथ ही साथ ईडी के खिलाफ जो विपरीत और विरोधी बातें कोर्ट ने कही है उन्हें भी वापस लिया जाए, ताकि ईडी अपना काम सही ढंग से कर सके। नहीं तो ईडी के लिए अब आगे काम करने का मोरल नहीं बचा है। जी हाँ, ईडी ने बहुत बड़ी बातें, कहें कि सबसे बड़ी बातें हाई कोर्ट में कह दी है, जिसके बाद तो बवाल मच गया, क्योंकि आज तक कोर्ट के फैसलों का विरोध तो हुआ, विरोध में एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट में लगी है, लेकिन इस तरह की तीखी बात, तीखे सवाल उठाए नहीं गए, इस तरह की तीखी टिप्पणियां कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट के फैसले पर नहीं किया गया। लेकिन यहां पर मामला संजय राउत का है और ईडी ने साफ साफ ये बड़ी और तीखी बातें कह दी। अब इस पर हाई कोर्ट को फैसला देना और जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से ईडी ने अपनी बातें कही है, उन बातों में यहाँ पर दम साफ साफ नजर आ रहा है, उन दलीलों में भी दम दिख रहा है और करीब करीब तय माना जा रहा है कि हाई कोर्ट जमानत रद्द होने पर बड़ा फैसला दे सकता है। हाई कोर्ट बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर दे सकता है, जो नजीर भी बन सकता है। और अब अगर यहाँ पर संजय राउत को फिर से जेल जाना पड़ता है तो ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि खुद संजय राउत कह चुके हैं कि जेल में एक घंटा काटना ही 100 दिन के बराबर होता है और वो 100 दिन जेल के अंदर काट के आए हैं। तो इस बार जमानत रद्द होती है तो फिर तो आगे लंबे समय तक मिलना मुश्किल होगी, क्योंकि कब जमानत मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, अब आगे संभव ही नहीं दिखता अगर यहाँ पर जमानत रद्द होती है तो। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत के लिए कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा ये सेटबैक है और क्या हाई कोर्ट बड़ा फैसला इस पर लेगी संजय राउत को लेकर, और क्या संजय राउत को फिर से जेल जाना पड़ेगा? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें।
15-15 दिन तक हमने सूरज की किरणें नहीं देखी है, क्योंकि हम अंडाशय में थे। संजय राउत पहली बार अपनी जेल यात्रा पर खुलकर बोले हैं। जेल के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताया, और जेल में उन्हें अंडा सेल में रखा गया, कैसे रखा गया, क्या क्या उनके साथ हुआ सब बताया। जी हां, पहली बार संजय राउत ने खुद अपने मुंह से बताया अपनी जेल की कहानी। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। संजय राउत ने NDTV से बात की और इस बातचीत में कई बड़े और हैरानी भरे खुलासे किए। संजय राउत ने बताया कि जेल के अंदर उन्हें 15-15 दिन तक सूरज की रोशनी देखने को नसीब ही नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें अंडा सेल में रखा गया था। जी हाँ, वही अंडा सेल जिनमें खुकार कैदियों को रखा जाता है, उसी अंडा सेल में, उसी सेल में संजय राउत को रखा गया, जो कि बिल्कुल अंडे के शेप में होती है, और उसमें रहना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उसमें रहना, सोना, खड़े होना, उठना बैठना तक बेहद मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ संजय राउत को रखा गया, और संजय राउत के मुताबिक उन्हें सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करने के लिए ही अंडा सेल में रखा गया था। हालांकि नाम सिक्योरिटी का दिया गया, लेकिन मुझे तोड़ने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए अंडा सेल में रखा गया, ताकि मुझे टॉर्चर किया जा सके, मेरी हालत को ज्यादा खराब किया जा सके और मुझे घुटनों पर लाया जा सके। आगे देखिए, संजय राउत ने बताया कि वहाँ पर अंडा सेल में हालात ये थे कि लाइट्स रात और दिन जली रहती थी, और वो भी हेलोजन लाइट, तेज रोशनी इतनी ज्यादा होती थी कि उसको दिन में भी आप नहीं देख सकते थे, बल्कि रात में तो हालात बेहद ज्यादा खराब हो सकते थे। जी हाँ, संजय राउत ने बताया कि अंडा सेल की लाइट्स कभी ऑफ ही नहीं होती थी, दिन रात उसी तेज रोशनी के बीच रहना भी पड़ता था, आंख तक बंद नहीं हो पाती थी। और राउत ने कहा कि वहाँ पर 1 घंटे रहना ही 100 दिन के बराबर है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि 1 घंटे में ही आप इतना ज्यादा टॉर्चर हो जाते हैं, 1 घंटे में ही आप इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो दिन, वो 1 घंटा काटना इतना मुश्किल होता है कि वो 100 दिन के बराबर होता है। तो मैं वहाँ पर 100 दिन तक रहा, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरी हालत क्या हुई होगी, और 100 दिन मेरे लिए पूरी जिंदगी से भी ज्यादा के बराबर इतने, क्योंकि 1 घंटा अगर 100 दिन के बराबर है तो 1 दिन 2400 दिन के बराबर होगा, और 100 दिन जेल में संजय राउत के 2.5 लाख दिन के बराबर थे। संजय राउत ने कहा कि मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, कि मुझे परमानेंट समस्याएं हो गई हैं। 10 किलो तक का मेरा वजन कम हो गया है। 10 किलो? हाँ, मुझे मैं देख नहीं सकता हूँ। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि जेल में उनका वजन 10 किलो कम हो गया है, उन्हें अब दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, यहाँ तक कि बोलने में भी दिक्कत हो रही है, जबान, गला सब कुछ खराब हो गया, और इस सब कुछ जेल की वजह से हो रहा है, और उन्हें दिखना लगभग पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि उनकी आंखों पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ा है। संजय राउत इस दौरान बोलते बोलते रुआंसे हो गए, रो ही पड़े। संजय राउत ने कहा कि जेल में हालात ये होते हैं कि कई बार आपकी बॉडी वो चीजें, वो बातें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है, लेकिन आप मजबूर होते हो, और मैंने ये झेला है, मैंने होगा, और मैं इस बात को मानता हूँ। इस दौरान संजय राउत की हालत जो जेल के अंदर थी, जो जेल में उनकी कंडीशन बेहद ज्यादा खराब थी, वही राउत यहाँ पर बयां कर रहे थे, और वही यहाँ पर एक बार फिर से जी रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द, उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था, उनके चेहरे पर रुआसापन साफ साफ नजर आ रहा था। इस दौरान संजय राउत ने अपने खुद मुंह से बताया, समझाया कि जेल में उनकी हालत वाकई खराब थी, और वाकई वो मजबूर हो गए थे। इस तरह के टॉर्चर के बीच रहना हजारों सालों के बराबर है। तो क्या वाकई संजय राउत के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, या फिर जो कुछ भी हुआ वो उनके कर्मों की ही सजा रही? आपका संजय राउत के इस पूरे कबूलनामे पर, संजय राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।